बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि किस तरह की पोजीशन को ट्राई करने से आपका जल्दी से जल्दी गर्भधारण हो जाता है। कई बार आपने बहुत सारे आर्टिकल्स में भी पढ़ा होगा कि इस पोजीशन को ट्राई करें, उस पोजीशन को ट्राई करें ताकि जल्दी से जल्दी गर्भधारण हो जाए। तो इस बारे में कितनी ज़्यादा सच्चाई है, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपको इसको फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसके बारे में क्या सच्चाई है, सारी बातें करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अपने और सारे वीडियोस में कि आपके रिलेशन प्लान करने से कई बार ज़रूरी नहीं होता है कि गर्भधारण हो ही जाए। अगर आपने सही टाइमिंग को मेंटेन किया है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने किस टाइम पे रिलेशन प्लान किया, क्योंकि जो महिला की जो साइकिल होती है उसके कुछ ऐसे बीच के कुछ दिन होते हैं जो कि हाईली फर्टाइल होते हैं और उस टाइम पे महिला के शरीर से उनके ओवरी से अंडा रिलीज़ होता है और ये अंडा आपका जब रिलीज़ होता है और उसी टाइम पे मेल के सेल्स अगर आपको अवेलेबल मिलेंगे तो ही आपका गर्भधारण होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने क्या पोजिशन ट्राई की, क्या पोजिशन नहीं ट्राई की, कब रिलेशन प्लान किया, उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन फर्टाइल डेज में रिलेशन प्लान करना आपके लिए फलदायक हो सकता है, आपका गर्भ जल्दी से जल्दी रुक सकता है। तो इस तरह की फैंसी कोई भी बात में आपको नहीं आना है कि ये पोजीशन आप ट्राई कर लीजिए, वो पोजीशन ट्राई कर लीजिए। सबसे ज़रूरी बात है जो मेल के सेल्स होते हैं उनकी जो गुणवत्ता होती है अच्छी होनी चाहिए, चाहे आपके डाइट से हो, आपके नियमित जो भी हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आपकी जितनी भी अच्छी गुणवत्ता मेल के सेल्स में आएगी या फिर जो एग की क्वालिटी है वो अगर अच्छी है तो डेफिनेटली हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होगा। और जो आपके पोजीशन रहने वाली बात है तो पोजीशन से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी भी पोजीशन में अगर आप ट्राई करते हैं उसके बाद आपको कम से कम 15 से 20 मिनट लेग अप द वॉल पोजीशन ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो मेल के सेल्स होते हैं वो बाहर नहीं आउट हो के बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ये चांसेस बने कि वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच के अंडे को फर्टिलाइज कर दे। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, उतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पोजीशन नहीं होती है। अब रही बात, उनके मन में ये सवाल आता है लोगों के मन में कि कौन सा फर्टाइल डेज को आप सही मानेंगे, क्या सही नहीं मानेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब महिला के शरीर से अंडा रिलीज़ होता है तो कुछ संकेत होते हैं वो महिला के शरीर में दिखाई देते हैं और उन संकेतों के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन नट सेल में आप जान लीजिए कि जैसे ही आप बाल धोते हैं उसके एक हफ्ते के बाद से आपके कुछ प्राइवेट पार्ट से कुछ ऐसे डिस्चार्जेस निकलते हैं जो कि बिल्कुल लसलसे से हो सकते हैं, बिल्कुल चिपचिपा द्रव्य होता है और ये द्रव्य निकलना भी ज़रूरी है क्योंकि ये इंडिकेशन होती है कि आपके शरीर से अंडे कि अभी वहाँ पर एंट्री हो गई है, अंडा निकल चुका है और उस टाइम पे अगर आप रिलेशन में रहते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी रुकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके बेसल बॉडी टेम्परेचर में भी फ़र्क आता है, आपको हल्की सी आपकी टेम्परेचर बढ़ी हुई सी लगेगी या फिर आपको बहुत ज़्यादा आपकी लिबिडो बढ़ी हुई सी लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा इच्छा करेगी आपके मतलब हस्बैंड के साथ रिलेशन के लिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आपके शरीर में अगर आपको दिखाई देता है तो उसको आपको नोटिस करना है और सही टाइम पे आपको रिलेशन प्लान करना है और रिलेशन प्लान करने के बाद लेग अप द वॉल पोजीशन ज़रूर ट्राई करें और कुछ कुछ बातों का आपको ध्यान देना ज़रूरी है जो कि मैं एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक लगा दूंगी, तो उस टाइम पे आप ध्यान रखिएगा और जल्दी से जल्दी आपका गर्भधारण हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम के रील्स को ज़रूर आप प्लीज़ लाइक करिए और फॉलो वहाँ पर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेंड्स माई वर्ल्ड।